तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हरियाणा का नया सर्वे आ चुका है और ताजा ओपिनियन पोल में किस पार्टिया को कितने सीटें मिल रही है और भयंकर मुकाबला हो चुका है बीजेपी वर्सेज यहां पे राहुल गांधी जी। जी हां दोस्तों, आज के इस स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं हरियाणा का ताजा ओपिनियन पोल, जिसमें किस पार्टिया को कितने सीट मिल रही है और कौन पार्टिया आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सबको पता ही है कि एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पे नायब सिंह सैनी की सरकार बनी हुई थी। बट दोस्तों यह आंकड़ा जो है आज के इस ताजा ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टियां आगे निकलेगी, दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी या यहाँ पे फिर से की एनडीए की सरकार बनेगी, फटाफट से यहाँ पे आप लोग कमेंट करते जाओ और ताजा ओपिनियन पोल जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आप सबको बता दें जानकारी के लिए कि 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग होनी थी हरियाणा में, और दोस्तों यह कैंसिल हो चुकर के चुनाव आयोग ने इसे डेट को बढ़ा दी है। 5 तारीख को चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों उसकी गणना जो है यहाँ पे वोट होगी वो होगी 8 तारीख को, तो फाइनल आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। बट दोस्तों ताजा ओपिनियन पोल हम लोग आज के इस वीडियो में जिले बाई जिले जानते हैं, और वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं और यहाँ पे जीत के लिए दोस्तों 46 सीट होना एक पार्टी को जरूरी है। तो यानी कि एक पार्टी के पास 46 सीटें आ जाती है तो वो अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जिले की पंचकुला। दोस्तों पंचकुला में यहाँ पे देखो 2 सीटें हैं, 2 सीटें में दोस्तों यहाँ पे देखो बीजेपी को यानी मोदी जी को 1 सीटें, राहुल जी को 1 सीटें, बाकी अन्य को एक भी खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों इन दोनों आदमी का एक एक खाता खुल चुका है पहला ही। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अम्बाला में। अम्बाला में दोस्तों यहाँ पे 4 सीटें हैं और 4 सीटें दोस्तों यहाँ पे मोदी जी 1 सीट लेकर के गए और राहुल जी को यहाँ पे 3 सीटें मिल चुकी है, जो सबसे आगे अभी तक जा रहे हैं। दोस्तों राहुल जी को यहाँ पे 4 सीटें टोटल हो चुकी है और बीजेपी यानी कि मोदी जी को 1 सीट, और इन दोनों पार्टियों को 4 पार्टियों को अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे देखो यमुनानगर में टोटल 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से मोदी जी को सिर्फ 2 सीटें और राहुल जी के 2 सीटें, यानी कि दोनों के दोनों बराबर में जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मोदी जी को 4 सीटें टोटल हो चुकी है और राहुल गांधी जी को 6 सीटें, अभी भी 2 सीटों से आगे जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी जीतने वाले हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्रा में बात करें मेरे प्यारे भाई और बहनों तो 4 सीटें हैं टोटल, और इसमें दोस्तों बीजेपी को बहुत ही बड़ी जीत मिली है। यहाँ पे 2 सीट मिल चुकी है, यहाँ पे राहुल गांधी जी को 1 सीट और जेजेपी को यहाँ पे 1 सीट मिल चुकी है। तो इनका भी खाता खुल चुका है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यहाँ पे देख सकते हो बीजेपी के 6 सीटें और राहुल जी को यहाँ पे 7 सीटें और यहाँ पे जेजेपी को यहाँ पे 1 सीट का खाता खुल चुका है। अभी भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैथल में। कैथल में मेरे प्यारे भाई और बहनों 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से देखो यहाँ पे मोदी जी 1 सीटें लेकर के आगे हैं। और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी की बात करें तो 2 सीटें हैं और 2 सीटों यहाँ पे इनको मिल चुकी है और जेजेपी को 1 सीट यहाँ पे मिली हुई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे मोदी जी को 7 सीटें मिली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राहुल जी को यहाँ पे 9 सीटें, अभी भी 2 सीटों से आगे जा रहे हैं, और दोस्तों जेजेपी को 2 सीटें यहाँ पे मिल चुकी है। तो दोस्तों ये ताजी ओपिनियन पोल में आपको कुछ ऐसा यहाँ पे सभी जिले बाई जिले इनको ऐसे कुछ सीटें मिल रही है, आप सब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम अगले जिले की बात करेंगे, करनाल में मेरे प्यारे भाई और बहनों 5 सीटें हैं और 5 सीटें में से यहाँ पे देखो मोदी जी को यहाँ पे 3 सीटें मिली है। सबसे बड़ी यहाँ पे बात है कि 1 सीट इनको ज़्यादा मिल चुकी है अभी, और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी को सिर्फ 2 सीटें मिली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अब टच करती हुई नज़र आ रही है बीजेपी, यहाँ पे 10 सीटें और यहाँ पे राहुल जी को यहाँ पे 11 सीटें मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी भी 1 सीट से आगे है। अब दोस्तों हम लोग अगले जिले की बात करेंगे तो पानीपत आता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पानीपत में टोटल 4 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को 2 सीटें, यहाँ पे INC को यहाँ पे 2 सीटें मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के दोनों अभी 50-50 में जा चुके हैं, फिर भी दोस्तों यहाँ पे 1 सीट से बीजेपी अभी पीछे हैं और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी 13 सीटें लेकर के बैठ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
बात करते हैं सोनीपत में। सोनीपत में दोस्तों यहाँ पे 6 सीटें हैं और 6 सीटें में से 2 सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिला है और यहाँ पे राहुल जी को 4 सीटें मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे बीजेपी को पीछे करते हुए राहुल जी आगे निकल रहे हैं और 17 सीटों से यहाँ पे देख सकते हो इनको मिल चुका है अभी और 14 सीटें बीजेपी को हो चुकी हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल में। और दोस्तों यहाँ पे देखो जींद में आपको यहाँ पे 5 सीटें हैं और 5 सीटों में से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है यहाँ पे इस जिले में। और राहुल जी को 2 सीटें और जेजेपी को यहाँ पे 3 सीटें मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट देख सकते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे गजब हो गया है। और बीजेपी सिर्फ 14 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पे अब टोटल की बात करें तो राहुल जी की 19 सीटें हो चुकी है और जेजेपी की 5 सीटें हो चुकी है। इनका तो खाता भी नहीं खुला हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फतेहाबाद में टोटल 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से देख सकते हो बीजेपी को एक भी नहीं मिला अभी यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी को 2 सीटें मिल चुकी है और जेजेपी को 1 सीट। तो इनकी सीट की संख्या देख सकते हो सबसे आगे 21 सीट से अभी हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले जिला सिरसा में 5 सीटें हैं टोटल और 5 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल चुकी हैं मोदी जी को और राहुल जी को यहाँ पे 2 सीटें। उसके बाद दोस्तों INLD को यहाँ पे 1 सीट, खाता इनका खुल चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि क्या कुछ बड़ी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे राहुल जी अभी 23 सीटों से आगे हैं और उसके बाद दोस्तों बीजेपी 16 सीटें और जेजेपी के 6 सीटें और INLD को 1 सीटें मिल चुकी है। पूरा का पूरा लाइव आप सब देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों हम लोग हिसार की बात करते हैं अगले जिले में, तो 7 सीटें हैं टोटल जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है 3 सीटें। उसके बाद दोस्तों राहुल जी को 2 सीटें, उसके बाद दोस्तों जेजेपी को 2 सीटें मिल चुकी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे बीजेपी भी अब पीछे करती हुई आगे निकल रही है 19 सीट से। उसके बाद दोस्तों राहुल जी की 25 सीटें हैं और जेजेपी के 8 और INLD के 1 सीटें हैं। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी सीट आगे बढ़ती जा रही है जिला बाय जिला। और मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे हम लोग अगले जिले की बात करते हैं भिवानी में 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी को मिल चुकी है, 20 सीटें बीजेपी को हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे राहुल जी आगे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ में चरकी दादरी की बात करते हैं, 2 सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ पे नहीं मिला है 1 भी सीट, लेकिन राहुल जी को 1 सीट है और जेजेपी को 1 सीट मिल चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भिवानी में, तो 3 सीटें हैं जिसमें बीजेपी को यहाँ पे तीनों सीट मिल चुकी है। तो 23 सीटें यहाँ पे सिर्फ राहुल जी 3 सीट से अभी आगे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ताजी ओपिनियन पोल में बात करेंगे रोहतक में जिले में, दोस्तों 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से यहाँ पे बीजेपी को 1 सीट मिली हुई है और राहुल जी को 3 सीटें। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लो भारी मुकाबला, 24 सीटें को मिले हैं बीजेपी को मोदी जी को। उसके बाद दोस्तों राहुल जी को 29 सीटें, यहाँ पे 5 सीटों से अभी आगे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कौन जीतेगा कौन हारेगा यहाँ पे ताज़ा ओपिनियन पोल में फटाफट से आप लोग कमेंट करो। झाझर में देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों 4 सीटें मिल चुकी हैं, 4 सीटें हैं जिसमें से मोदी जी को 2 सीटें और राहुल जी को 2 सीटें। तो टोटल इनका 26 और इनका 31 सीटें हो चुकी है। अभी देख सकते हो मुकाबला काफ़ी मतलब भयंकर हो रहा है। और महेंद्रगढ़ में गाई जी यहाँ पे देखो 4 सीटें हैं और 4 सीटों में से बीजेपी को चारों सीट मिल चुकी है। फटाफट से आप लोग यहाँ पे वीडियो को शेयर करते जाओ। और मेरे प्यारे भाई और बहनों बीजेपी को 30 सीटें मिल चुकी है और राहुल गांधी जी को सिर्फ 31 सीटें हैं, 1 सीट से अभी भी आगे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे देखो रेवाड़ी में देखो 3 सीटें हैं और 3 सीटें यहाँ पे बीजेपी को, 2 सीटें बहुत ही बड़ी जीत। और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी को सिर्फ 1 सीटें, दोनों के दोनों पार्टियाँ अभी बराबर मुकाबला में है और बराबर पे है, बराबर सीट में है। तो कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ दोस्तों गुड़गांव में बात करें तो 4 सीटें हैं, बीजेपी 3 सीट से आगे जा रही है और दोस्तों यहाँ पे राहुल जी को सिर्फ 1 सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हो बीजेपी को 2 सीट अधिक मिल चुकी हैं और राहुल जी 33 सीट पे अभी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नूह में बात करेंगे तो नूह में मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पे 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से देखो यहाँ पे बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिला और राहुल जी को तीनों को 3 सीट मिल चुकी है। तो दोस्तों दोनों पार्टियां अभी यहाँ पे देखो तो बीजेपी को 35 सीटें, उसके बाद दोस्तों राहुल जी को यहाँ पे 36 सीटें मिल चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पलवल में बात करें तो 3 सीटें हैं और बीजेपी को 2 सीटें, बहुत बड़ी जीत है, और राहुल जी को 1 सीट। अभी भी दोस्तों दोनों पार्टियां बराबर में यहां पे जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहां पे फरीदाबाद में 6 सीटें हैं और दोस्तों फरीदाबाद में 6 सीटें होने के बाद दोस्तों बीजेपी को 4 सीटें और राहुल जी को 2 सीटें। तो देख सकते हो 41 सीटें बीजेपी को और राहुल जी को यहाँ पे 39 सीटें मिल चुकी है। तो कौन सी पार्टियां अपनी सरकार बनाएगी मेरे प्यारे भाई और बहनों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। और आपको क्या लगता है यह ओपिनियन में, आपको अपना राय कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।